चौमासा.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। बाबा बैरागीनंद ने कलेक्टर से मांगी समाधि लेने की अनुमति। 16 जून को दोपहर 2:11 पर जल समाधि लेने का ऐलान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के समर्थन में मिर्ची यज्ञ कराकर दिग्विजय सिंह की जीत की भविष्यवाणी करने और न जीतने पर समाधि लेने की घोषणा करने वाले बाबा बैरागीनंद ने गुरुवार को भोपाल जिलाधीश से समाधि लेने की अनुमति 16 जून को दोपहर 2:11 पर जल समाधि लेने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि बाबा बैरागीनंद ने बीते माह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताने के लिए राजधानी के कोहे फिजा इलाके में मिर्ची यज्ञ किया था। इसी के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि यदि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट से चुनाव नहीं जीते तो वो जल समाधि ले लेंगे। बाद में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने और दिग्विजय सिंह की पराजय के बाद बाबा बैरागीनंद से जल समाधि लेने को लेकर काफ़ी सवाल उठे। इस बीच बाबा अचानक गायब हो गए और उत्तर प्रदेश में रमज़ान के दौरान एक रोज़ा इफ्तार पार्टी में दिखाई दिए, लेकिन मीडिया के सवालों पर उनके द्वारा बार बार टिप्पणी करने से मना किया। कुछ लोगों ने बाबा का ढूंढ कर लाने वाले को लाख रुपए देने का ऐलान भी किया था। बाबा का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें बाबा बातचीत करने वाले एक युवक को आक्रोशित होकर ये कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं जल समाधि कब लूंगा या नहीं लूंगा। इसके बाद आज अचानक बाबा ने भोपाल जिलाधीश को पत्र लिखकर 16 जून को दोपहर 2:11 पर जल समाधि लेने का ऐलान करते हुए अनुमति मांगी है। बाबा ने कहा कि मैं अपनी बात पर अटल हूं और जो प्रण लिया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।